वाइल्ड लाइफ इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बट ये सोर्स तब तक रिन्यूएबल रहता है जब तक हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, जब तक हम इसको कंजर्व करेंगे और वेरियस स्ट्रेटजीज ऑप्ट करेंगे ताकि इसको रिन्यूएबल रिसोर्स रहने दिया जा सके। सो इस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में रीजन वाइज या प्रोविंस वाइज मुख्तलिफ तरह के रूल्स, मुख्तलिफ तरह के लॉज और एक्ट्स प्रेजेंट हुए हैं जिनको जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ बहुत हद तक प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में रही है और हमें काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ और हैबिटेट की प्रोटेक्शन नज़र आई है और जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे इजीली सर्वाइवेबल हैं। बिफोर पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट रूल या एक्ट था दैट वाज कैटल ट्रेसपास एक्ट जो 1871 में आया, सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1890। ये सारे क्रुएलिटी के एक्ट्स या ट्रेसपासिंग के एक्ट्स बेसिकली जो एब्सर्ड एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ है या फॉर नथिंग हम एनिमल्स को बीट कर रहे होते हैं, ये सारा उस वजह से इन एक्ट्स का लाना बहुत ज़रूरी हुआ। एनिमल स्लॉटरिंग एक्ट जो 1963 में आया, सिमिलरली बलूचिस्तान फिशरीज एक्ट 1994 में, बलूचिस्तान सी फिशरीज ऑर्डिनेंस 2001 में आया, बलूचिस्तान सी फिशरीज एक्ट 2009 में इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, बलूचिस्तान एनिमल स्लॉटर कंट्रोल जो अलॉन्ग विद वेरियस अमेंडमेंट्स 2010 में पास हुआ जिसमें बाद में गोर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, कराची कैटल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 में प्रेजेंट हुआ, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 1979 में आया, बिकॉज पाकिस्तान इज अ गुड प्लेस फॉर वेटलैंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स दे ट्रेवल फ्रॉम वेरियस साइबेरियन रीजन्स एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान सीम्स टू बी द फ्लाई वे, ये उनके लिए एक जगह बनती है ताकि वो साइबेरियन रीजन से यहाँ तक जब ट्रांसफर होते हैं तो वहाँ पर आके उनको वेटलैंड्स मिल जाते हैं जहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सो इस हवाले से ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए ये वाला एक्ट प्रेजेंट हुआ। पंजाब गोट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 में आया, पंजाब फिशरीज ऑर्डिनेंस 1961 में, पंजाब एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 में, पंजाब लाइफ स्टॉक डेयरी एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड 1974 में डेवलप हुआ, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट जो 1974 में आया, दिस इज़ द एक्ट जो राइट नाउ इन पंजाब इज़ एप्लीकेबल, हम इसके रूल्स इसके जो भी बायलॉज हैं उनको फॉलो करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इन पंजाब। सिमिलरली पंजाब लाइफ स्टॉक एसोसिएशन एंड लाइफ स्टॉक यूनियन ऑर्डिनेंस 1979 में आया है, पंजाब एनिमल कंपाउंड फीड एंड फीड स्टफ ऑर्डिनेंस 2002 में आया, फिर उसके बाद जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1972 में आया, सिंध फिशरीज एक्ट 2003 दिस हैज़ बीन प्रेजेंटेड, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2008 में प्रेजेंट हुआ, सिंध फिशरीज अमेंडमेंट 2011 में आई, देन वेस्ट गोट रिस्ट्रिक्शन रूल्स 1961 में अपेयर हुए हैं, वेस्ट पाकिस्तान गोट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1972 में आया, एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में अपीयर हुआ। इन तमाम के तमाम ऑर्डिनेंसेस का या इन एक्ट्स या रूल्स का बेसिकली जो पर्पज़ है वो किसी भी तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है।